गुड मॉर्निंग क्लास फोर, ये आपका चैप्टर नंबर टू है रीडर का जो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट किया था जो था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उससे पहले हमने सेंटेंस कंप्लीट किया था। यानी हम लोग ग्रामर के दो चैप्टर कर चुके हैं और आज हम रीडर का चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे। और ये चैप्टर है अबाउट हेल्पफुल नेबर्स। नेबर्स क्या होते हैं? यानी हमारे पड़ोसी। नेबर्स क्या होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं। नेबर्स का मतलब होता है हमारे पड़ोसी। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज हमको रीड करना है और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमको सॉल्व करना है। अ बैड नेबर इज अ मिसफॉर्च्यून। यानी एक ख़राब पड़ोसी कैसा होता है? एक बहुत ही बैड लक होता है, आपकी ख़राब किस्मत होता है। मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? ख़राब किस्मत। हमारा पड़ोसी ख़राब है तो हमारी किस्मत कैसी है? ख़राब है। ख़राब किस्मत है हमारी कि हमको ऐसा पड़ोसी मिला है। एज मच एज अ गुड वन इज़ ग्रेट ब्लेसिंग। और अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी वरदान वाली बात है। क्यों है वरदान वाली बात? दीज वाइज वर्ड वर स्पोकन बाय हॉयसॉइट, अ ग्रीक पोइट। एक ग्रीक पोइट थे जिनका नाम हॉयसॉइट था। उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे कि एक पड़ोसी जो है, अगर एक अच्छा पड़ोसी है आपका, एक नेबर आपका अच्छा है नेबर, तो वो क्या है? आपके लिए ब्लेसिंग है, एक बहुत अच्छी किस्मत है। और अगर वो ख़राब है तो वो क्या है? आपके लिए अगर आपका नेबर ख़राब है तो वो आपके लिए ख़राब किस्मत है, और अगर अच्छा है तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ऐसा किसने कहा था? हॉयसॉइट नाम के ग्रीक पोइट थे, उन्होंने कहा था। पीपल हु लिव क्लोज टू अवर हाउसेज आर अवर नेबर्स। जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हमारे नेबर कहते हैं। वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ गुड नेबर। मैं हमेशा क्या चाहता था कि मेरे घर के पास क्या हो? एक अच्छा पड़ोसी हो। बिकॉज दे विल ऑलवेज बी देयर वैन वी नीड दैम। क्योंकि वो हमेशा वहाँ होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी या ज़रूरत होगी। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ ऑफ मोहित महेंद्र दालवी फ्रॉम महाराष्ट्र। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण थे जिनका नाम क्या था? मिस्टर मोहित महेंद्र दालवी फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। दिस इज़ ट्रू स्टोरी ऑफ मोहित। ये मोहित की सच्ची कहानी है। एनीबडी वुड बी प्राउड टू हैव अ नेबर लाइक हिम। किसी को भी गर्व होगा इस टाइप का पड़ोसी पाकर। मोहित महेंद्र दालवी 14 हु सेव 10-year-old नेबर फ्रॉम ड्राउनिंग इन बाण गंगा लेक इन अप्रैल 2015। मोहित महेंद्र दालवी कौन थे? इन्होंने क्या किया था? 10 साल की इनके पड़ोसी थी जो कि पानी में डूबने वाली थी। ठीक है, पानी में डूबना वो का मतलब होता है ड्राउन, है ना, डूबना, डूबने वाली थी। कौन सी नदी में? बाण गंगा लेक के अंदर डूबने वाली थी। झील है, लेक का मतलब होता है झील, रिवर का मतलब होता है नदी, है ना। झील में डूबने वाली थी। कौन सी? बाण गंगा। कौन से साल में? अप्रैल 2015 में। इज अमंग अस 25 चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इनमें से कौन था? जो 25 बच्चे थे पूरी दुनिया में, उनमें से ये एक थे। ये देखिए इनकी फ़ोटो है, पीछे मेनका गांधी खड़ी है, ये मोदी जी हैं। एंड फोर अक्रॉस महाराष्ट्र टू बी सेलेक्टेड एज अ विनर ऑफ 2015 ब्रेवरी अवार्ड। क्या होता है? कुछ ऐसे लोग अवार्ड होते हैं जो किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं, कि आपने कोई अच्छा ब्रेवरी वाला वर्क किया है तो उसके क्षेत्र में आपको दिए जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स। तो 2015 के अवार्ड्स में जो 25 नॉमिनेशंस आए थे उनमें से एक नॉमिनेशन इनका भी था। ऑन द इवनिंग ऑफ अप्रैल 25 कृष्ण पक्ष अ नेबर ऑफ मोहित वॉज प्लेइंग नियर द स्टेप्स ऑफ बाण गंगा लेक इन वालशेखर। क्या हुआ? शाम के टाइम की बात है, 25 तारीख की, अप्रैल की। कृष्ण पक्ष नाम का एक नेबर था मोहित का, जो कि उसके पड़ोस में खेल रहा था नियर द स्टेप्स ऑफ बाण गंगा लेक। कहाँ पे? उनकी सीढ़ियों के पास। वॉल केश्वर व्हेन शी एक्सीडेंटली स्लिप्ड।
और तब क्या हुआ कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना की वजह से वो गिर गई, दुर्घटना की वजह से क्या हुआ वो गिर गई। इंटू द लेक, कृष्णा वॉज सेट टू हैव अ गुड स्टक इन डिश 25 अंडर द लेक। जो कृष्णा थी वो क्या हुआ फंस गई बहुत बुरी तरह एक गर्त में, जो कि कितना गहरा था 25 फीट गहरा था, लेक के अंदर था। मैनी पीपल वर वॉचिंग दिस, बहुत सारे लोग इसको देख रहे थे एंड शाउटिंग दैट समवन शुड हेल्प, उसको देख रहे थे और चिल्ला रहे थे कि कोई इसकी मदद करो। बट नन केम फॉरवर्ड, लेकिन आगे कोई नहीं आया, कोई भी आगे नहीं आया। अ यंग बॉय मोहित वॉज ऑल्सो स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, एक जवान लड़का जिसका नाम क्या था मोहित, वो भी उस पूरे शोर में।